हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक्सेल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वही दूंगा। यदि आप एक बिगिनर हो और आप एक्सेल को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उनके बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप एक्सेल पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम फर्स्ट में क्या करते हैं, ब्लैंक शीट दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये हमारी ब्लैंक शीट है। सपोज करो मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे ठीक है। उसके बाद में यहाँ भी मैं डाल देता हूँ कुछ 12, उनकी जो एज है 12, 34, 45 और 65। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं। सपोज करो आपको ये आपका डेटा अवेलेबल है। यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे एक रो ब्लैंक हो जाए, यानी इसके ऊपर लिखना चाहते हो, तो आपको रो की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपको पहले यहाँ पे जैसे आपको फर्स्ट लिखा हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, पेज स्पेशल, इंसर्ट, डिलीट, कंटेंट, फॉर्मेट सेल, रो लाइट, हाइड एंड। तो आपको क्लिक करना है इंसर्ट पे। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखो ऊपर एक रो खाली हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ, दिस इज ए लिस्ट ऑफ न्यू कैंडिडेट। ठीक है, ओके। तो लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये तीन लाइन में आ रही है, जैसे ए बी सी। ठीक है, आपको ये क्या करना, सपोज आप चाहते हो कि ये हमें एक ही में शो हो। देखो अगर मैं यहाँ से इसका स्पेस बढ़ाता हूँ तो ये क्या होगा, ये तब भी शो होती रहेगी। ठीक है, या तो आप उस पर, उसके लिए इसको बोलते हैं मर्जिंग। मर्ज कैसे करते हैं, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शंस आता है, जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये बोलते हैं मर्ज। जैसे आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये एक ही कॉलम में आ जाएगी। देखो इसके बीच में जो कॉलम थी, यानी जो लाइन थी, वो हट गई। ठीक है, उसके बाद यदि आप अपने आपके पास में ये कुछ फॉर्मेट है, ये मैं जो टेबल थी ओनली फॉर एग्जाम्पल के लिए ही, जब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो इजिली से समझ में आ जाएगी। सपोज करो कि आपको ये फॉर्मेट चेंज करना है, आप इस फॉर्मेट में काम करना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि जो आपका फॉर्मेट है थोड़ा अट्रैक्टिव हो, तो उस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम होता है ये होता है लैंग्वेज का, यानी जो फंट होता है। फंट में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फंट अवेलेबल है। ठीक है, इनमें से जो भी फंट आप सिलेक्ट करोगे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो आप जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमें हमको चाहिए ये एरल ब्लैक। आपने एरल ब्लैक पे क्लिक किया तो देखो आपका जो ये फ्रंट था, इसमें क्या हुआ, ये चेंज हो गया। ठीक है, पहले बोल्ड नहीं था, अभी बोल्ड शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा आपको ये, तब ये भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये थोड़ा स्प्रेड हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दूसरा भी फंट सेम जाके चेंज कर सकते हैं। मैंने एरल में कर दिया। ठीक है, हो गया। उसके बाद में ये डेटा थोड़ा इजिली से नहीं लग रहा, यानी अच्छा नहीं लग रहा। आप चाहते हो कि अट्रैक्टिव बने और टेबल में हो, तो टेबल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट में आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कैसे करोगे, आप दो तरीके से, कंट्रोल ए के थ्रू आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको नीचे स्क्रॉल करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको जाना है यहाँ पे टेबल में, इसको बोलते हैं टेबल। टेबल में एक बॉर्डर आता है ऑल बॉर्डर। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपका पूरा डेटा क्या होता है, एक टेबल फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में सपोज आप ये अनुज को आप इसे इटैलिक शो करना चाहते हो कि ये हमें एकदम से अलग शो हो। ठीक, उसके लिए क्या करना, आपको आई पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप आई पे क्लिक करेंगे देखो ये क्या हुआ, आपका इटैलिक हो गया। यदि आप इसको क्या करते हैं, सेम फॉर्मेट में जैसे पहले, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल जेड जैसे दबाएंगे तो जैसे पहले था सेम वैसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि जो अनुज है वो उसके नीचे हम अंडरलाइन करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यू पे जाना पड़ेगा। जैसे आप यू पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ये आपके पास टेबल है लेकिन इसके पीछे कोई कलर नहीं है, यदि आप चाहते हो कि मेरे टेबल में कलर भी हो या आप कलरफुल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आता है जो बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। सपोज करो आप, मैंने जाके यहाँ पे सेलेक्ट कोई भी कलर सेलेक्ट किया, देखो ये आपका यहाँ पे कलर हो गया। और यहाँ पे एक ऑप्शन, एक अच्छी बात ये भी है, यदि आप मल्टीपल कलर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे रेड भी हो गया, डार्क रेड हो गया, येलो हो गया, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, ठीक
ठीक है, सभी कलर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप दूसरा कलर भी चेंज करना चाहते हो, यदि आपने डिफॉल्ट पहले कोई और कलर चेंज किया है उसके बाद आप नया कलर चेंज करना चाहते हो, तो उसके बाद क्या आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप चाहते हो कि जो हमारा जो हेडर है, हेडर का कलर आप दूसरा चाहते हो, तो उसके लिए सेम आप दोबारा से वहाँ पे जा सकते हो और कोई और कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, हो गया। उसके बाद में यदि आपको बोल्ड करना है, बोल्ड करने के लिए क्या आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप क्या करो, कंट्रोल कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, ये बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी दबाते से बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे बी लिखा हुआ था, जैसे बी पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ना, ये सभी आपका जो कॉलम होता है बोल्ड हो जाएगा, जितने भी आपके वर्ड है बोल्ड हो गए। ठीक है, उसके बाद में यदि आप चाहते हो कि जब अभी आपके जो वर्ड है उनका जो कलर है वो ब्लैक है, लेकिन आप चाहते हो कि उसका कलर कोई और डिफरेंट हो, यानी कोई भी रेड हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, तो आपको क्या यहाँ पे ए लिखा होता है, यहाँ पे ये क्या करता है, ए का मतलब है अल्फाबेट। ये क्या करता है, आपके अल्फाबेट का जो कलर चेंज कर देता है। यहाँ पे आप एक F1 के थ्रू भी इसको चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे गए हमने, क्या किया, रेड पे क्लिक किया तो रेड पे क्लिक हो गया। ठीक, उसके बाद आप चाहते हैं जो टेबल में आपके कलर यहाँ पे अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली जो कलर यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहते हैं कि हम इन कलर को ना शो करके कोई और कलर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्लिक करने का पड़ेगा मोर कलर पे। जब आप मोर कलर पे पहुंच जाते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो स्टैंडर्ड आता है, दूसरा कस्टम आता है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जैसे आप इसे अप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू एंड करंट, जो भी कलर है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो कि मुझे ये थोड़ा लाइट चाहिए, तो लाइट ले जा सकते हो, मुझे डार्क चाहिए तो नीचे की साइड का, तो ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो उसके बाद आपको ओके करना, ओके करने के बाद क्या होगा, आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप चाहते हो कि जो आपकी ये लिस्ट है और ये मिडिल में आए, अभी देखा आपने देखा होगा ये अभी क्या है, अभी ये दोनों अलग अलग साइड में, आप चाहते हो कि मिडिल में आए। मिडिल में जाने के लिए आपके तीन ऑप्शन है, इनका आप जब एक्सेल में वर्क करोगे तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो क्या देखा, आपके जो आपका जो कैपिटल लेटर है और जो आपका अल्फाबेट्स हो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड में आ गए। यदि आप चाहते हैं कि दोनों के हमारे राइट हैंड में हो, आपको राइट हैंड में क्लिक करोगे तो राइट हैंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि मिडिल में हो, ये मिडिल में हो जाएंगे। एक ऑप्शन और है, अगर आप चाहते हो कि हमारा सिर्फ ये फर्स्ट ये हो, हमारा नेम वाला है ये हमारे लेफ्ट में हो, लेकिन जो हमारा जो नंबर यानी एज ऑफ नंबर है वो मिडिल में रहे, तो उसके लिए क्या करो, आप सिलेक्ट करो। देखो इसमें दो तरीके होते हैं, अगर एक एक कॉलम को आप सिलेक्ट करोगे तो स्क्रॉल करके नीचे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यदि आप चाहते हो कि पूरी कॉलम को हम सेलेक्ट करें तो आप ए पे जाओ और एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करोगे क्या होगा, दिस इज अ लिस्ट ऑफ न्यू कैंडिडेट। ठीक है, ये न्यू कैंडिडेट की लिस्ट है, ये क्या होगा, पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक, सिलेक्ट होने के बाद क्या करना है, उसके बाद में आपको, आप अगर लेफ्ट और राइट करेंगे ना तो क्या होगा, आपकी एक ही रो क्या होगी, वो लेफ्ट में और राइट में जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपको इसका अगर साइज, यानी जैसे आप इस टेबल का क्या करना है, साइज जो है बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे कैपिटल ए है, यानी ये क्या करेगी, अगर आपका जैसे वर्ड है कोई भी, उसका जो साइज होगा वो इंक्रीज करती रहेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि इसका जो साइज हो थोड़ा कम चाहिए, मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉल ए शो हो रही है इस पर आप क्लिक करोगे तो इसका साइज क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप पर्टिकुलरली ही एक साइज देना चाहते हैं दोनों को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये है आपका जो साइज फॉर्मेट, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी कलर कितना भी साइज आप बढ़ा सकते हो। सपोज करो मैं 26 कर दिया, 28, तो देखो कि आप कितना बढ़ गया, लेकिन आपके आपको फ्रंट का जो साइज आपको रखना कितना, 12, क्योंकि ये बेस नॉर्मल साइज होता है, हमने 12 पे क्लिक किया हमारा साइज हो गया। तो ये चीजें थी और ये काफी ईजी आपको लगा भी होगा, काफी अट्रैक्टिव है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या करते हैं, सपोज करो कि ये नेम है और आप चाहते हो कि ये ओरिजिनल हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक ए बी लिखा रहा, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके आपके पास में 5 to 6 फॉर्मेट अवेलेबल हैं, जो आप अपने लेटर को चेंज कर सकते हैं। पहला था एंगल काउंटर क्लॉक, जैसे आप एंगल काउंटर क्लॉक पे क्लिक करते हैं, ये देखो आपका जो ये था लिस्ट थी ना, तो ये एक अलग ही फॉर्मेट में आएगी, यानी इसका जो डिस्प्ले हो रहा है ये एक बेस्ट हो रहा है, जो आप कहीं पे अपनी पीपीटी में भी यूज कर सकते हैं।
उसके बाद में नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हमारा राइट से शुरू हो। तो राइट से जैसे शुरू होगा तो देखो यहाँ पर राइट से शुरू हो चुका है, ठीक इस तरह से। लेकिन मैं चाहता हूं कि राइट से ना ये वर्टिकल हो। वर्टिकल देखो राम अनुज की क्या एक वर्टिकल लिस्ट बन गई है, ठीक है इस तरह से। यदि आपके पास एक यहाँ से एक शॉर्टकट वो बता दें, यदि आपके पास में कोई भी वर्टिकल लिस्ट इस तरह से मिलती है, तो आप अगर उसे चाहते हो कोई सेम नेम आए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जाना है और ऊपर नॉर्मलाइज कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यदि आप बैक आना चाहते हैं तो कंट्रोल या आप प्रेस करेंगे तो आप जैसे फॉर्म में थे वही आ जाएंगे, ठीक है। इतना आ गया। उसके बाद में एक चीज बता देता हूँ आपको जो बहुत इजी है। सपोज करो कि हमारी जो लैंग्वेज अलग है, और लेकिन हमने यहाँ पे नाम टाइप किया वो राजू कर दिया हमने, ठीक है राजू कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ, आपने देखा होगा कि ये जो हमारा नेम है ये इम है, ठीक है इम है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को सेम लैंग्वेज में रखना चाहते, देखो यहाँ पे एरियल हो गया, ये भी दोनों एरियल है, ये दूसरा एरियल है और ये एरियल नैरो है, ठीक है। आपको ये एरियल करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्मेट, जैसे आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, सेम हो जाएगा। देखो कलर भी आ गया, जो फॉर्मेट यहाँ पे यूज हो रहा था वही फॉर्मेट यहाँ पे यूज होने लग गया, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं, जैसे आप कॉपी करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉपी, जैसे कॉपी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे और राइट क्लिक करने के बाद आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, वो पेस्ट हो जाएगा, हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली जाकर आप शॉर्टकट में, अगर शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं उसके लिए होती है CTRL प्लस C, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल सी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और फिर उसके बाद आप कंट्रोल प्लस वी करेंगे, तो क्या होगा, ये पेस्ट हो जाएगा जहां पे आप करना चाहते हो आपको। लेकिन वहां पे वो कॉलम आपको क्या कहें सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे वो आपका कॉपी होने के बाद में पेस्ट हो जाएगा, ठीक है इस तरह से ये आ गया, ठीक है। इतना हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या क्या चलते हैं, उसके बाद हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक सपोज करो कि आप ये फॉर्मेट क्या नया अच्छी अट्रैक्टिव सीट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट टेबल आती है, फॉर्मेट टेबल। जैसे आप फॉर्मेट टेबल पर क्लिक करेंगे यहाँ पे काफी टेबल अवेलेबल है। सपोज करो मैं इसको चाहता हूँ, इसमें जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको ओके करना है तो आपका टेबल चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसका बैकग्राउंड चेंज क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमने पर्टिकुलर मैनुअली कलर सिलेक्ट किया है, तो इसलिए इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद में हमारी और भी वीडियोस आने वाली हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।